हरि ओम तत्सत। आज हम सर्दी कफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले कफ तत्व क्या है थोड़ी बात समझ लेते हैं। हमारे शरीर तीन धातु से बना हुआ है, उसको त्रिधातु कहते हैं, वात पित्त और कफ। वात मतलब वायु तत्व है, पित्त मतलब जो अग्नि तत्व है, और कफ तत्व वो जल तत्व है। तो वात पित्त और कफ से हमारा शरीर जो बना हुआ है उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो उसके रिलेटेड दर्द होते हैं। फॉर एग्जांपल वायु बिगड़ता है तो संधिवा आर्थराइटिस जो कहते हैं वो दर्द होता है। अग्नि तत्व बिगड़ेगा तो उसके रिलेटेड एसिडिटी है, बुखार आना, ये प्रॉब्लम होती है। और कफ तत्व बिगड़ता है तो हमारे शरीर में जल तत्व बढ़ गया है तो उसके रिलेटेड सर्दी, खांसी, उद्रस कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जिसको बार बार सर्दी होती है तो दमा अस्थमा तक नौबत आ सकती है। तो सर्दी को कंट्रोल करना चाहिए। पूरे साल में एक या दो बार सर्दी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गुड हेल्थ की निशानी है। लेकिन बार बार सर्दी रहती है तो ये गलत बात है। अब अग्नि तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए सर्दी हुई है तो उसको क्या करना चाहिए? अग्नि तत्व बढ़ाना चाहिए। तो अग्नि तत्व का कलर कौन सा है? ऑरेंज, केसरी रंग कहते हैं। रेड लाल कलर है और येलो पीला कलर। तो जो कुछ वनस्पति में और फल में ये तीन कलर मौजूद है, ऑरेंज, रेड और येलो, वो फ्रूट या फल लेना चाहिए जिसके आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मौसम्बी, नारंगी, संतरा, नींबू, ये सब येलो और पीले कलर के या ऑरेंज कलर के सब है फल। इसमें खट्टी चीजें तो विटामिन सी सबसे ज्यादा है। विटामिन सी अग्नि तत्व ही बढ़ाता है। अब उसके थोड़े उपाय भी लिख देते हैं। पहला उपाय सौंठ, जिसको हम सूंठ कहते हैं, काला मरी, काला मिर्च जो कहते हैं ना, काले मरी, और तुलसी के पत्ते, मतलब 10-15 तुलसी के पत्ते ले लो, 3-4 काले मरी ले लो और आधे चम्मच जितना सूंठ का पाउडर ले लो। उसका काढ़ा बनाना है, थोड़ा पानी डालकर काढ़ा बना लीजिए जैसे चाय बनाते हैं ठीक उसी तरह, और फिर वो छानकर वो काढ़ा सुबह शाम दो बार पी सकते हैं जिससे सर्दी कम हो जाएगी। दूसरा उपाय लिख दीजिए, जो पान खाते हैं उसको बोलते हैं नागरवेल के पान। नागरवेल के पान कहते हैं, विटल कैसा कहते हैं मलयालम में, तो वो दो पान ले सकते हैं, 2-3 पान। पूरे दिन में आपको 3-4 पान खाने चाहिए। ओनली पान है, कोई मरी मसाला उसमें डालना नहीं है। नो टोबेको, नो मसाला, ओनली पान, सिर्फ पान ही लेना है, नागरवेल के पान। पूरे दिन में 2 या 4 खा सकते हैं जिससे भी सर्दी कम हो जाएगी। और एक उपाय, रात को सोने के टाइम पर हल्का सा गर्म पानी कर लो, पीने का गर्म पानी हल्का सा करो, थोड़ा सा लुकवार्म, उसमें 1 नींबू का रस, मतलब 1 से 2 चम्मच नींबू का रस, लेमन जूस, वो मिलाकर पी सकते हैं। तो थोड़ा गुनगुना पानी और उसमें नींबू का रस, ये रात को सोने के टाइम पर पीना है, सुबह नहीं पीना है, रात को सोने के टाइम पर लेना चाहिए। ऊपर पानी मत पीजिए, इससे भी सर्दी कम होगी। एक अच्छा सा उपाय है,
बहुत सर्दी हो गई तो क्या करना चाहिए? तो रात को सोने के टाइम पर, जब आप सोने की तैयारी करते हो, उसी समय पांव के तलिए के भाग पर विक्स लगा दो। जो विक्स आती है ना, पांव के तलिए में विक्स लगा देना है, दोनों पांव के तलिए में, और सॉक्स पहन लीजिए, सॉक्स पहनकर सो जाओ। 2-3 दिन में सर्दी पक जाएगी, निकल जाएगी। चेहरे पर लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पांव के तलिए में लगाना है विक्स, अच्छा रहेगा। जब हमारे बच्चे दोनों छोटे थे तब हमने प्रयोग किया था, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। अरीठा आते हैं जिससे हम बाल धोते हैं, अरीठा, तो वो जो उसके इतना बी होता है ऊपर, उसकी फल जैसा, जैसे रुद्राक्ष का फल कैसा होता है, रुद्राक्ष जैसे दिखाई देते हैं अरीठा, तो उसके ऊपर का छिलका ले लो, बीच वाला जो सीड है वो थोड़ा सॉलिड होता है उसको निकाल दो, तो ऊपर की जो परत है, छिलका है, वो ले लीजिए, उसका पाउडर बना दो, अरीठा का चूर्ण, अरीठा का पाउडर, और फिर उसको थोड़ा पानी लेकर पेस्ट जैसा बना दिया, इसको यहां गले से लेकर इसने चेस्ट में यहां लगा देना है, हल्का सा अरीठा पाउडर पानी के साथ पेस्ट जैसा बना दिया और पूरा गले से लेकर इतने एरिया में लगा दो रात को सोने के टाइम पर। 5 मिनट में वो सूख जाएगा। फिर से एक दूसरा लेयर फिर से लगा दो, अरीठा ही पाउडर दूसरा लगा दो, 5-7 मिनट में फिर से सूख गया, या तीसरा लेयर भी हल्का सा लगा दो और सो जाओ, जिससे भी दूसरे दिन हल्का सा बुखार आएगा आपको, दूसरे दिन हल्का सा बुखार आएगा, चिंता मत करो, ये अच्छी बात है। सर्दी पक गई होगी और सब कफ कचरा निकल जाएगा। 2-3 दिन करेंगे सब कचरा निकल जाएगा, खास करके छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल का बच्चा है, उसको पता नहीं है कि बलगम कैसे निकालना है, वो छींक नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है, तो यहां निकाल देंगे अपने आप छींक आएगी, सब कचरा निकल जाएगा। राई आती है, राई जो तड़के में हम इस्तेमाल करते हैं, और राई ले लीजिए, राई करीब आधी चम्मच जितना, उसको थोड़ा पाउडर बना दो, और मध के साथ खाना है, राई और मध, मान लीजिए आधी चम्मच राई है तो 1 चम्मच मध हनी ले लो, इससे भी सर्दी कम होती है। अब भोजन के 10 मिनट पहले ही प्रयोग करना है। जिसको सर्दी होती है, कफ होती है, तो उसका अग्नि तत्व मंद हो जाता है, भूख ठीक से लगती नहीं है, खाने का स्वाद भी चला जाता है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, भोजन के 10 मिनट पहले 2 चम्मच जितना अदरक, आदू, जिंजर का रस लेना है, और 1-2 चम्मच नींबू का रस लेना है, तो 2 चम्मच जिंजर का रस लिया, 2 चम्मच लेमन का रस लिया, और वो मिलाकर ले सकते हैं। बहुत तीखा जैसा लगे तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, या रस पीकर थोड़ा ऊपर 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, और 10 मिनट के बाद भोजन करेंगे, भोजन ठीक से पच भी जाएगा और नया कफ बनेगा भी नहीं। सर्दी के साथ उधरस भी हुई है तो ये प्रयोग कर सकते हैं, सर्दी में भी चलेगा और उधरस में भी चलेगा, खांसी जिसको कहते हैं, उसमें 2 चम्मच जिंजर का रस, आदू का रस, मतलब अदरक का रस 2 चम्मच, और 1-1.5 चम्मच हनी, मध लेना है, खास करके रात को सोने के टाइम पर यह अवश्य ले लो, ऊपर पानी नहीं पीना है, अदरक का रस और 1-1.5 चम्मच हनी, मध मिलाकर ले लो आप, उधरस आपकी मिट जाएगी, कब धीरे धीरे निकल जाएगा। फुदीना, आपको पता है फुदीना का रस भी ले सकते हैं, और जिंजर, आदू का रस, या दोनों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। फुदीना 10-15 पत्ते ले लो, छोटा टुकड़ा आदू जिंजर का ले लो, उसको पानी में थोड़ा कूट कर डाल दीजिए और थोड़ा काढ़ा जैसा बनाकर पी सकते हैं।
इससे भी सर्दी कम हो जाएगी। खास करके छोटे बच्चों में एक और प्रयोग करते हैं हम, अजवाइन का प्रयोग करते हैं, अजमो जिसको कहते हैं, अजवाइन हल्का सा जो तवे पर थोड़ा सा सेक लीजिए, सेकने के बाद उसका थोड़ा पाउडर बना दो, और ऐसे छोटा सा कोई कपड़ा है, कपड़े में एक चम्मच जितना अजवाइन पाउडर यहाँ ले लिया, उसको पोटली जैसा बना दो और उसको सूंघ सकते हैं, सूंघने का है। छोटे बच्चे तो उसको हम क्या करते हैं, एक कपड़े में बांध देते हैं और धागे में उसको माला जैसा बनाकर लगा देते हैं, तो श्वास लेता है तो अजवाइन की खुशबू अंदर जाती है, धीरे धीरे सर्दी कफ पक जाती है, सर्दी निकल जाती है। बहुत कफ पक गया तो हम सेक भी कर सकते हैं, तवे पर अजवाइन लगाकर ऐसा सेक करके भी अजवाइन का सेक कर सकते हैं, इससे भी कफ निकल जाता है। और एक प्रयोग लिख दीजिए, हल्का सा गर्म दूध कर लीजिए, गर्म दूध में मरी का पाउडर, काले मिर्च जो कहते हैं काले मरी, मरी उसका आधे चम्मच जितना पाउडर डाल दीजिए, एक आध चम्मच जितनी शक्कर, चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, साकर बड़ी आती है, तो गर्म दूध में मरी का पाउडर और साकर डालकर वो भी पीने से भी सर्दी कम हो जाती है। और एक प्रयोग लिख दीजिए, मरी यानी जो काला मिर्च बोलते हैं मरी, फिर तज उसको दालचीनी पाउडर भी कहते हैं, और तीसरा है जिंजर आदू, अदरक कहते हैं बराबर, उसका भी काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। हर एक आधे आधे चम्मच ले लीजिए, मरी आधी चम्मच, तज आधी चम्मच, और आदू भी आधे चम्मच जितना पाउडर उसमें, या सौंठ का पाउडर भी चलेगा, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, इससे भी सर्दी कम हो जाएगी। नींबू का रस 1 से 2 चम्मच निकाल दीजिए, और एक प्रयोग लिख दीजिए, नींबू का रस 1 से 2 चम्मच, उसमें जिंजर का थोड़ा हल्का सा कचुम्बर बनाकर उसमें डाल दीजिए, आदू जिंजर नींबू के रस में आदू का कचुम्बर थोड़ा सा हल्का सा कचुम्बर बनाकर डाल दिया, और उसमें काला नमक जिसको बोलते हैं सिंधव, वो काला नमक या जो उपवास में हम खाते हैं ना सिंधवालून, सिंधव नमक कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डालना है, एक चपटी ज़्यादा नहीं, इससे भी थोड़ा पेट सफाई भी हो जाएगी हल्की सी, और आपका सर्दी में भी राहत हो जाएगी। और लास्ट में एक प्रयोग देख लीजिए, आपने पता होगा साउथ में जब भी बारिश की मौसम शुरू होती है तो पानी में 1-2 लीटर का मटका है, उसमें आदू का थोड़ा टुकड़ा कूटकर उसमें डाल दीजिए, फिर जब भी पानी प्यास लगती है वही पानी पीना चाहिए, तो साउथ में आज वही भी चलता है, तो इससे भी आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। या उनको हल्का सा पानी गर्म कर सकते हैं आप, सौंठ पाउडर यानी सौंठ डालिए पाउडर, या तो आदू जिंजर डाल दीजिए और पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा होने के बाद वही पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे सर्दी में राहत हो जाएगी, कफ चला जाएगा। ये पानी पीना है पूरा 5 दिन 7 दिन 10 दिन, घर के सभी मेंबर भी ये पानी पी सकते हैं, खास करके विंटर में और मॉनसून बारिश की ऋतु में, तो ठंड में और बारिश में अदरक वाला या तो सौंठ वाला पानी पी सकते हैं। लास्ट में एक और लिख दीजिए, रात को सोने के टाइम पर ओनियन, एक ओनियन लेनी है यानी प्याज, प्याज कहते हैं, डुंगरी कहते हैं, कांदा कहते हैं, कोई भी एक छोटी ओनियन ले लो, उसको टुकड़े करके अच्छी तरह से खा लेना है, ऊपर पानी नहीं पीना है, रात को सोने के टाइम पर एक ओनियन खाकर सो जाओ, इससे भी सर्दी कम हो जाएगी। इससे दांतों के लिए भी अच्छा रहेगा, दांत में कुछ गड़बड़ है, पायोरिया है, दांत में हलन है, दुखावा पेन है, इससे भी राहत हो जाएगी।
तो रात को सोने के टाइम पर ओनियन खाकर सो जाना है, बदबू लगे ऐसी इसी चिंता मत करो, सुबह में ब्रश कर लेना है। फुदीना का ताजा रस भी ले सकते हैं, फुदीना, या उसके एक दो ड्रॉप्स नाक में भी डाल सकते हैं, नाक में फुदीना का रस डाल सकते हैं, ओनियन का भी एक दो ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या तो प्योर गाय का घी, या तो डीवेल जिसको बोलते केस्टर ऑयल, ये चार चीज में से कोई भी एक, फुदीना का रस, ओनियन का रस, शुद्ध गाय का घी या तो केस्टर ऑयल, एक एक दो दो बूंद नाक में यानी नासपुट में डाल सकते हैं, जिससे भी फर्क हो जाएगा, कफ सर्दी चली जाएगी, नाक आपका खुल जाएगा। तो बहुत सारे उपाय में से यही उपाय कीजिए, तुलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तुलसी का प्रयोग में जब भी अनुकूल आए तुलसी खाना है, तुलसी और आदू का रस भी ले सकते हैं, तुलसी पुदीने का भी रस ले सकते हैं, या तुलसी सूंठ काला मरी और थोड़ा गुड़ डालकर उसका भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय, उसमें से जो अनुकूल आए ऐसे दो तीन प्रयोग करने चाहिए। सौंठ, गुड़ और घी, प्योर गाय का घी, सौंठ पाउडर, गुड़ और घी, इसका भी छोटी गोटी बनाकर आप ले सकते हैं दिन में दो या तीन बार, इससे भी कफ सर्दी में राहत हो जाती है। इसमें से जो अनुकूल आता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अस्तु, हरिओम तत्सत।